की है प्रलय से और वेदों की रक्षा की है। वेदों की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, वैदिक परंपरा की रक्षा करते हैं। जो वेदों का विनाश करता है, वैदिक मार्ग का खंडन करके नए नए मार्ग पर चलता है, उसका भगवान विनाश करते हैं। मत्स्य अवतार करते हैं, मत्स्य पुराण की कथा हुई थी पीछे ऋषिकेश में, वहां 18 पुराणों की कथा हम कर चुके हैं, कभी अवसर होगा तो सुनेंगे। उसमें भगवान मत्स्य अवतार का विशेष चरित्र मछली के रूप में भगवान ने अवतार लिया। बोलिए मत्स्य नारायण भगवान की जय। 8वां स्कंद मनमंत्र स्कंद है। किस मनमंत्र में भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए? एक मनमंत्र में भगवान ने अपने भक्त गजराज की रक्षा के लिए श्रीहरि अवतार लिया। हाथियों का एक समूह था, बहुत से हाथी थे और उन हाथियों का एक राजा था। हाथी को गज कहते हैं, क्या कहते हैं? तो गजों का राजा क्या कहलाएगा? गजराज। गजों का राजा गजराज कहलाएगा। इतनी हिंदी कमजोर आप लोगों का। हुआ है गजराज 10,000 हाथियों का बल उसके पास था, बहुत बलवान था, अपने सामने सबको अणु बराबर मानता था। अणु मतलब छोटा था। एक बार गया त्रिकूट पर्वत की तलहटी में जल पीने के लिए। वहां रहता था एक मगरमच्छ। इसने इसका पैर पकड़ा। हाथी ने सोचा कि मसल दूंगा, मेरे सामने क्या है मगरमच्छ, छोटा सा जल जंतु। लेकिन जल में मगरमच्छ की शक्ति बड़ी होती है, हाथी की शक्ति पृथ्वी पे काम करती है। ये पृथ्वी पे चलने वाला है, वो जल में चलने वाला जलचर है, ये थलचर है हाथी। तो थलचर की शक्ति जलचर के सामने कुछ नहीं थी, टिकती थी। बहुत युद्ध हुआ। अंत में जब डूबने लगा हाथी तो अपने परिवार वालों को पुकारा और परिवार वालों ने भी धीरे धीरे खिसकना शुरू कर दिया। अब निकलता तो है नहीं, हमसे बहुत प्रयास कर लिया। बहुत देर से रेस्क्यू कर रहे इसको, लेकिन बचा नहीं पाए। पूरा इसका पूरी प्रजा इसकी रेस्क्यू करने में लग गई। रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, बचाने के लिए ऑपरेशन चलता रहा। एनडीआरएफ भी आ गई, सारी सेना इसकी आ गई और इसको बचाने के लिए बहुत प्रयास करने लगे। लेकिन उद्धार भी हो जाएगा तो श्राप नहीं दिया बल्कि आशीर्वाद दे दिया कि उद्धार भी हो जाएगा तेरा, भगवान कृपा करेंगे उद्धार भी हो जाएगा। आज हाथी ने कहा कि प्रभु ये श्राप नहीं था गुरु जी का, ये तो वरदान था। क्यों? बड़े राजा बनकर मैं पुण्य करता तो स्वर्ग में जाता, इंद्रलोक तक, इंद्रपद तक पहुंच जाता और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंती, पुण्य क्षीण होते ही फिर से मृत्यु लोक में आ जाता मैं। लेकिन अब कुछ दिन ही मैं हाथी रहा और सीधा वैकुंठ में जा रहा हूं, नहीं तो जन्म मरण में पड़ा रहता हूं। मृत्यु लोक में आकर फिर जन्मता मरता, जन्मता मरता, कभी मनुष्य जीवन मिलता तो फिर पुण्य करता। एक कर्ज के कारण से बार बार आना पड़ता है चुकाने के लिए। और प्रभु अब तो मेरा उद्धार हो गया, मैं सीधा वैकुंठ में जा रहा हूं। तो वस्तुतः ये श्राप नहीं, ये वरदान है संत का। संत ने वरदान दिया तो सीधा मैं वैकुंठ जा रहा हूं। ये वस्तुतः भगवान की कृपा है, ये कृपा का फल है। ये तो एक राजा था और जो ग्राह था मगरमच्छ था, एक गंधर्व था, हुहु नाम का गंधर्व था। ये गंधर्व उस कॉमेडियन होते हैं, हंसने हंसाने वाले, हा हा हु नाम भी इनके ऐसे ही। कोई ऋषि आता सरोवर में स्नान करने के लिए, नदी में सरोवर में, तो ये डूब के अंदर जाता, उसका पैर पकड़ लेता।
एक ऋषि ने श्राप दिया मूर्ख, मगरमच्छ की तरह सबका पैर पकड़ के डराता है, जा तू मगरमच्छ ही बन जा। बोले महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले किसी भक्त के चरण पकड़ेगा तब जाकर तेरा उद्धार होगा। तब से ये उस सरोवर में रहता था त्रिकूट पर्वत के यहां, और सबका पैर पकड़ पकड़ के खींचता था। अणु से जो भी आता था स्नान करने, सबका पैर पकड़ के खींचता था, क्योंकि किसी के माथे पे तो लिखा नहीं ये भक्त है अणु, तो टेस्टिंग सबकी करते रहता था। भक्त होगा तो उद्धार हो जाएगा, और नहीं तो नाश्ता तो पक्का है, तो खा जाता। जो जो स्नान करने आते उनको खा जाता। भक्त होगा तो उद्धार हो जाएगा, और नहीं तो आहार तो हो ही जाएगा, लंच तो हो ही जाएगा। आज भक्त आया है, इसका पैर पकड़ा तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इसकी रक्षा की है, और गजराज का उद्धार किया है, ग्राह का उद्धार किया। देखो ये काल ग्राह है, ग्राह मतलब मगरमच्छ, तो मगरमच्छ अथवा ग्राह और कोई नहीं है, काल ही है, मृत्यु ही मगरमच्छ, मृत्यु ही काल है। और हाथी कौन है? ये सारे जीव हम सब हाथी की तरह, गजराज की तरह। और ये काल जो है सबसे पहले पैर से पकड़ना शुरू करता है, बॉटम टू टॉप पैर से पकड़ना शुरू करता है। सबसे पहले पैर खराब होते हैं आदमी के, होते नहीं होते, पैर मुड़ते नहीं, घुटनों में दर्द होता है, पिंडली में दर्द होता है, होता नहीं होता। जब पैरों में दर्द शुरू हो जाए, तलवे में दर्द शुरू हो जाए, तो समझो अब काल ने पैर पकड़ लिया। फिर पिंडली तक आ जाए समझो पिंडली पकड़ ली, घुटने तक आ जाए तो घुटने तक काल ने पकड़ लिया। सावधान हो जाओ मसीह। उसके बाद फिर धीरे धीरे कमर तक आ जाता है, कमर पकड़ लेता है, फिर कमर मुड़ती नहीं है, झुकना भी मुश्किल हो जाता है, कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, और ऊपर आता है पेट पकड़ता है, जो खाते हैं वो पचता नहीं, और ऊपर आता है काल हमारा छाती पकड़ता है, छाती में दर्द रहता है, छाती में दर्द रहता है, हम तैयारी करते रहता ना, समझो छाती तक पकड़ लिया काल। इसके बाद फिर गला पकड़ लेता है, अब बोला नहीं जाता, ए बेटा पोतरू पोतरू, अब बोला नहीं जाता, अब काल ने गला पकड़ लिया, हम तैयारी करते, ठीक है ना, गला पकड़ लिया तुम्हारा। इसके बाद फिर और ऊपर आता है, दांत तोड़ता है काल, दांत में दर्द शुरू हो जाता है, अब सावधान हो जाओ यहां तक आ गया। फिर यहां तक आता है, नाक बहने लगती है, और ऊपर आता है आंखों में, अब दिखाई नहीं देता, चश्मे का नंबर बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते, दिखाई नहीं देता, गीता जी के बड़े अक्षर वो भी नहीं दिखाई देते बुढ़िया को। अब काल ने यहां आंख तक पकड़ लिया, ध्यान देना। उसके बाद काल आपके कान पकड़ता है, फिर कानों में सुनाई नहीं देता, कानों में सुनाई नहीं देता बुढ़िया को। उसके बाद काल और ऊपर आता है, अब सिर पकड़ लेता, अब तो कुछ पता ही नहीं है, गिर गई चार पाई पे, कुछ पता नहीं है, बेटे को नहीं पहचानती, पोते को नहीं पहचानती, कुछ भी नहीं जानती, बिल्कुल पड़ी रहती है सुन्न होकर। और फिर काल पूरा पकड़ लेता है राम नाम, सबके पैरों में दर्द रहने लगा, समझो पैर पकड़ लिए हैं तुम्हारे, बाल सफेद हो गए, समझो सिर तक आ गया, डाई करा के उसको धोखा नहीं दे सकते आप, उसको धोखा नहीं दे सकते। तो धीरे धीरे आता है, सिर से पैरों तक आता है, और जब काल पैर पकड़ ले तभी सावधान हो जाओ, तो बच सकते काल से, उद्धार तक हो सकता है, शरीर तो बचेगा नहीं, लेकिन आत्मा कल्याण कर सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो, आत्मा को बचा सकते हो। आत्मा तो बची हुई है, लेकिन उसको जान लोगे तो गर्भवास में नहीं जाना पड़ेगा। तो काल ने पैर पकड़ा हुआ है। इसके बाद भगवान ने एक मन मंत्र में बहुत से अवतार लिए, एक साथ समुद्र मंथन कराया है, बहुत संक्षेप में देखेंगे, आज गोकुल तक जाना है। समुद्र मंथन में
तुम्हारे पास आधा घंटा है केवल, मैं तो 3 घंटा दे रहा हूं। और 4 बजे तुम घड़ी देख के उठने लगते हो, बेईमानी करते हो, हमारे साथ बेईमानी करते हो, खुद तो 3:30 बजे आते हो और कथाएं विस्तार से सुनना चाहते हो। पहले हम दोनों समय कथा करते थे 7-8 घंटे, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और शाम को 3 बजे से 7-8 बजे तक हुआ है। और समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला, क्या निकला, कितनी कथाएं सुन चुके तुम लोग, बोलो क्या निकला, जहर निकला, विष निकला, ऐसी कथा सुनते हो, पता लग गया ना मेरे को, टेस्ट में तो फेल हो गए। देखो एक आध की सप्लीमेंट की आ जाए तो आ जाए, तो अभी दो दिन की कथा होगा आज के बाद, बस आखिरी के दिन तो आप लोग प्रसाद खाने के लिए आएंगे, क्योंकि कथा जल्दी होगी तो प्रसाद के टाइम पर आएंगे। बेईमानी तो करोगे थोड़ी, स्वभाव में ही बेईमानी, ये अपने साथ बेईमानी, सत्संग छोड़ देते हैं ना, अपने साथ बेईमानी। कल एक माता जी कह रही थी, महाराज पहली बार ऐसी व्याख्या हमने सुनी, पहली बार ये बातें हमने सुनी सत्संग में, पंडित लोग कथा सुनते थे लेकिन ये बातें मिलती नहीं थी जिससे हम टेंशन फ्री हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। तो सत्संग की बातों को आप छोड़ देते हो, आपके भाई बहन छोड़ देते हैं, आते नहीं, ऐसे लोगों कहते हैं अभागे हैं। क्या कहते हैं, अभागे, आप तो ठीक है, अभागे नहीं, भाग्यवान है, बाकी अभागे। कई जगह ऐसा होता है कि पड़ोस में आदमी बैठा है आता नहीं, पड़ोस में बैठा है वो आता नहीं, आता है तो कभी प्रणाम नहीं करता, थोड़ी देर भी आ जाएगा आगे चुपचाप बैठ जाएगा। तो ऐसे हाथ जोड़ना भी झुकना भी उसको सिखाया नहीं गया, भागवत के सामने हाथ जोड़ जोड़। तो हिंदुओं से अच्छे सरदार हैं बेचारे, कम से कम गुरु ग्रंथ साहब के सामने हाथ तो जोड़ते हैं, मत्था तो टेकते हैं, हम लोग तो गीता जी के सामने भागवत के सामने मत्था टेकना ही। अपनी इंसल्ट समझते हैं तो संस्कार नहीं है, गलती आप लोगों की नहीं है, बचपन से ही वैसे संस्कार दिए नहीं गए। तो समुद्र मंथन में सबसे पहले जहर निकला, क्या निकला, विष निकला। देखो कोई भी अच्छा काम करो पहले जहर संसार से मिलेगा आपको, विष मिलेगा। कौन सा जहर, विरोध वाला जहर, कौन सा जहर, लोग विरोध करेंगे, आप सत्संग में जाओ सत्संग कराओ लोग विरोध करेंगे। एक भाई ने सत्संग कराया दूसरा भाई विरोध करने लगा, रहे क्यों करा रहा है ये सब, क्यों खर्चा कर रहा है फालतू, क्यों इतने लोगों को तुम भोजन कराएगा, क्यों इतना मंडप बनाएगा, क्यों इतना पैसा खर्च करेगा। मैदान में कथा होती है तो महाराज 10-12 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, 15-20 भी खर्च हो जाते हैं, यहां तो सस्ते में सौदा निपटा लेते हैं आप लोग अच्छे। मंडप ही बनाना पड़ता है 2-2.5 लाख रुपए लगा के, बड़ा करीब 10-15 हजार लोगों को बैठने की व्यवस्था हो जाती है। तो भाई उसका विरोध करने लगा कि तू ये क्यों कर रहा है। उसने कहा मैंने तो प्रोग्राम बना लिया, स्वामी जी से समय ले लिया, अब तो मैं करूंगा। सगा भाई नहीं आया उसका, सगा भाई नहीं आया सत्संग सुनने के लिए, इतना ईगो। तो पहले विरोध का जहर आपको पीना पड़ेगा,
निंदा का जहर पीना पड़ेगा, लोग निंदा करना शुरू कर देंगे। देखो देखो ये कथा में जा रही है, बच्चे छोटे छोटे ये कथा में जा रहे हैं, राम प्यारी है, बड़ी भक्त बन रही है, बड़ी भक्त बन रही है। लोग उल्टा सीधा विरोध करना शुरू कर देंगे, हर काम हर अच्छे काम का विरोध ज्यादा होता है, ज्यादा विरोध हो तो समझ लो कि काम अच्छा है। कोई अच्छा काम कर रहे हैं आप तो समझ लें कि इसका परिणाम अच्छा होगा, ज्यादा विरोध हो तो विरोध होता है। बंद रखो, रोज बोलते हैं आपको, जिन जिनके पास है घंटी बंद रखो, पीछे वालों भी सुनो, मोबाइल की घंटी बंद रखेंगे सभी, बजेगी तो फिर हम बता देंगे, यमराज बजे बुरा नाम होली में। तो कोई भी अच्छा काम करो सबसे पहले जहर मिलेगा आपको, विरोध का, निंदा का, अपमान का जहर पीना पड़ेगा। संकर बनकर उस जहर को आप पचा लो तब तो अमृत की यात्रा आसान हो जाएगी। और पहले ही जहर में आप हार गए कि नहीं छोड़ो, लोग तो साथ देते नहीं, लोग तो विरोध करते हैं, हम तो अच्छा कर रहे थे, लोग विरोध करते हैं, अणु वाले विरोध करते हैं, छोड़ो नहीं करेंगे, छोड़ो नहीं करेंगे, नहीं करना, छोड़ दो। कई लोग समय ले लेते हैं कथा का दो दो साल पहले से, और फिर समय आता है कथा का तो हमको फोन कर लेते हैं, हमारे लिए हो नहीं पाएगा, घर में कोई साथ नहीं दे रहा, ऐसी ऐसी बात है, हो नहीं पाएगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे कोई कार्यक्रम कैंसिल होता है हम सोचते हैं चलो सात दिन एक काम तो मिल जाएगा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छे काम में पहले विरोध होगा, विष लेकर सब देवता शंकर जी के पास पहुंचे, क्योंकि उस विष की ज्वालाओं से सब झुलस रहे थे, जल रहे थे, बहुत गर्म उसमें ज्वालाएं निकल रही थी जलाने वाली, सारा लोक जल रहा है। जैसे शिव जी के पास ले गए भगवान की प्रेरणा से कि भगवान शंकर ही इसको पचा सकते हैं, भगवान शंकर के पास गए। शिव भक्त को विरोधों को बैर का जहर बैर का विष पचाने की शक्ति आ जाती है, अगर वास्तव में उसमें आ ही जाए और सहन नहीं करता, थोड़ी थोड़ी बातों में वो टूट जाता है, मरने मारने पर उतारू हो जाता है, छोटी छोटी घटनाओं से वो होपलेस हो जाता है, तो समझो वो किसी का भक्त नहीं, वो किसी का भक्त नहीं, बीवी का भक्त भले ही हो सकता है, धन का भक्त भले ही हो सकता है, गहने की भक्त भले ही हो सकती है, भगवान की भक्त नहीं। भगवान शंकर उस जहर को भगवती पार्वती से पूछते हैं क्या करना है, अब कौन पत्नी कहेगी कि पी ले, आप लोग कह दोगे अपने पति से जहर पी ले, बोलो हाँ या ना बोलो, नहीं कहो, कौन पत्नी कह देगी। पत्नी से पूछा, बाई तरफ पत्नी बैठी थी भगवती पार्वती से, लेकिन धन्य है माता जगदम्बा ने कहा नाथ आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन संसार में सबकी रक्षा हो जाएगी, यू टेक प्लीज, आप ले लीजिए। भगवान शंकर ने हाथ में लिया उस विष को, ततः करतली कृत्यम व्यापिहालाहलम विषम अवक्षयन महादेव कृपया भूत भावनः तच्चकार गले नीलम यत्र साधुर विभूषणम। भगवान शंकर ने उस विष का पान किया और गले में रख लिया, गले में रखने से गला पड़ गया नीला, एक नया नाम पड़ गया शंकर भगवान का। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। आप नहीं बोल रहे, आप लोगों की आवाज नहीं आती जैसे मुर्दा हो, बोलिए नीलकंठ भगवान की जय।
अपने तो अणु की नाक। भगवान की जय नहीं बोलोगे आपकी जय कैसे होगी? भगवान को प्रणाम नहीं करोगे आपको प्रणाम कौन बोलेगा? भगवान शंकर ने उस जहर को कंठ में रखा था, कहां रखा तो कंठ नीला हो गया, ना तो उसको अंदर निकला और ना बाहर थूका, कहां रखा बीच में, कहां रखा? शिक्षा दी अणु वालों को कि संसार का जहर पीना पड़े, कोई बुराई करे आपके साथ तो हृदय में भी मत रखो उसको, नेगेटिव अप्रोच बनाकर, बैर बनाकर, और बाहर भी मत थूको निंदा करके। अरे ना खोपड़ी में नहीं आ रही मोटी खोपड़ी में दूध भैंस का पीते हैं। बाहर निंदा करना अर्थात बाहर थूकना, और भीतर गांठ बनाकर रखना, नेगेटिव अप्रोच बनाकर रखना, हृदय में रखना, तो दोनों नहीं करना। ना तो किसी की बुराई, किसी ने आपको धोखा किया है, कुछ किया है तो उसके प्रति बैर बनाकर हृदय में रखो, और ना बाहर थूको अर्थात निंदा भी बोलो नहीं करना। ना तो निंदा करके थूकना उसको संसार में, और ना भीतर रखना, ठीक है ना, दोनों नहीं करना। अगर भीतर रखोगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, टेंशन में चले जाओगे, थोड़ा थोड़ा टेंशन सबको है ना, इसीलिए दुनिया के दोस्त आप अपने अंदर रखते हो, उसने ऐसा किया मेरे साथ, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, थिंकिंग पूरी की पूरी नेगेटिव हो गई, तो ये जहर रख लिया ना भीतर, दूसरों के दोषों पर विचार करके उनको हृदय में धारण कर लिया, तो जहर हो गया ना। तो आज से ये जहर भीतर नहीं रखना और ना बाहर थूकना, बीच में रखा रखा तो उसको इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं, गलती हमसे भी होती है, राम प्यारी से हो गई तो कोई खास बात नहीं है, छगन लाल से हो गई तो कोई खास बात नहीं, मगन लाल से भी होती, उसकी गलती को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देने का, ज्यादा चिंता नहीं करने का, छोड़ दो, हो गया हो गया, गलती सबसे हो जाती है, हो सकता है मेरा पूर्व जन्म का इससे कोई लेन देन हो, इसलिए इसने मेरा झुमका बरेली वाला चुरा लिया, ठीक है ना, हो सकता है पूर्वजन्म का लेन देन हो, इसलिए इसने थोड़ा सा प्लाट मेरा दबा लिया, कर्म के फल भी तो भोगने हैं ना, नहीं अणु वाले कर्म फल से बाहर नहीं है, कर्म फल भुगताएंगे, भगवान भुगताएंगे, जो पड़ोसी के द्वारा भुगताने हैं, बच्चों के द्वारा भुगताने हैं, बहू के द्वारा भुगताने, सास के द्वारा भुगताने, पति के द्वारा भुगताने हैं, वो सबके सब भुगतने ही पड़ेंगे, उनसे बच नहीं सकते, कर्म फल से बच नहीं सकते, एक्शन का रिएक्शन होता है, विज्ञान भी मानता है, न्यूटन भी मानता है, अणु वाले ना माने तो फिर तो बुद्धि बहुत मोटी हो गई, बैंक से ज्यादा मोटी हो गई, कर्म का फल होता है, भागवत कहती है कर्म का फल होता है, न्यूटन कहता है एक्शन का रिएक्शन होता है, बड़ी डिफरेंस बिटवीन भागवत गीता एंड न्यूटन, एक ही चीज हो गई ना, एक्शन का रिएक्शन बोलो या कर्म का। घंटी बंद रहेगी, छह बार बोल चुका घंटी बंद रहेगी, फिर क्यों चलाते हो बोलो, इतना कॉमन सेंस नहीं है कि साइलेंस करके बैठना चाहिए। ये हमारे क्लास के कोई कोई बच्चे थोड़े से अभी नए हैं, बढ़ती
तैयारी करते हैं। नए नए बच्चे छात्राएं ज्यादा शैतान है, थोड़ी सी मुन्नी ज्यादा शैतान है। मुन्नू तो ठीक है, हम घूमते हैं वहां तो हम चले जाते हैं पांच दो चार किलोमीटर की कर गए थे। आज छोटे जाएंगे, कल बड़ू गए थे, आज छोटे जाएंगे। छोटे भैया संसार का जहर फैलाओ मत, इग्नोर, माफ करो, माफ करो और आगे बढ़ो, माफ करो और शांति के मार्ग में आगे बढ़ना है, टेंशन फ्री होने के मार्ग में आगे बढ़ना है तो माफ तो करना ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा हृदय में नहीं रखना किसी की बुराई, बहुत ज्यादा हृदय में नहीं रखना किसी के दुर्गुण नहीं रखना और न थूकना, निंदा नहीं करना। ये शंकर जी ने संकेत दिया है, फिर समुद्र मंथन हुआ है, भिन्न भिन्न रत्न निकले हैं, 14 रत्न निकले हैं, उसमें जहर भी एक रत्न है महाराज, अप्सराएं भी एक रत्न है, वो स्वर्ग का गया है। उच्च स्रवा अस्त्र निकला गया, घोड़ा निकला बड़ा सुंदर बन, जैसे बहुत बड़े आजकल समझो अरबों की करोड़ों की कार हो, हेलीकॉप्टर का भी काम करे, वो नाव का भी काम करे और कार का भी काम करे, ऐसी कारें बन रही है। जल में भी चल सकती है, आकाश में भी उड़ सकती है, धरती पे भी चल सकती है, आने वाली है, जापान में शुरू हो रही है, उस पर काम चल रहा है। रिसेंटली अभी अभी रिपोर्ट आई हमारे पास, हम गए जापान में घूमते, तो ऐसा घोड़ा उच्च स्रवा, वह घोड़ा भगवान ने स्वर्ग में भिजवा दिया, इंद्र को दे दिया। ऐरावत हाथी निकला वो भी स्वर्ग में भिजवा दिया, अप्सराएं निकली वो भी स्वर्ग में भिजवा दिया। दैत्यों ने कहा जो निकलता है तुम स्वर्ग में भेज देते हो। कौस्तुभ मणि निकली भगवान को डाल दी, गले में डाल दी देवताओं ने। दैत्यों ने कहा कि अरे हम भी तो समुद्र मंथन कर रहे हैं, भी के दोनों पार्टियों को 50-50 होने से जो निकलता है सब देवताओं को देते हो, क्या हमारा कोई हक नहीं है, हम भी तो अणु वाले हैं। भगवान ने कहा अल्लाह मत करो, नाराज मत, चिल्लाओ मत, झगड़ा मत करो, अब जो निकलेगा वो तुम्हारा। पुनः समुद्र मंथन हुआ तो वारुणी मदिरा निकली, शराब निकली। भगवान ने दैत्यों से कहा लो ले जाओ, पियो और आपस में लड़ो, पियो और आपस में लड़ो, कम से कम देवताओं को परेशान तो नहीं करोगे, कम से कम अणु वालों को परेशान तो नहीं करोगे, तुम आपस में लड़ते रहोगे। मनुष्यों ने कहा हमको दो, देवताओं ने कहा हमको दो, भगवान ने कहा ना किसी के लिए नहीं दूंगा, ना ये देवताओं के लिए है ना मनुष्यों के लिए, ये असुरों के लिए राक्षसों के लिए। मनुष्यों ने कहा हम नकली बना लेंगे, बोले तुम नकली बनाओगे और पियोगे तो राक्षस ही हो जाओगे, जो पिएगा वो राक्षस ही हो जाएगा, जो पिएगा पौआ वो बनेगा कौआ, जो पिएगा अद्धा वो बनेगा गद्दा, वो बोतल वाला क्या बनेगा, ऐसा कहते हैं लोग। तो पीने वाला राक्षस है, पीने वाला राक्षस इंसान नहीं है, जितने दुराचार होते हैं हत्याएं होती हैं ज्यादा पीने वाले ही करते हैं, सब पीने वाले करते हैं। तो शराब राक्षसों के लिए है, सुन रहे हैं भाई लोग, पीछे वाले भी सुन रहे हैं क्या, नहीं सुन रहे पीछे वाले भाई लोग, कहां ध्यान है, शराब राक्षसों के लिए है, मनुष्यों के लिए बोलो, भगवान ने वारुणी राक्षसों को दी, अब मनुष्यों को क्या दिया। पुनः समुद्र मंथन हुआ तो गौ माता निकली थी, कामधेनु
सारी कामनाएं पूर्ण कर दे, ऐसी धेनु थी वो। वह भगवान ने ऋषियों को दी, मनुष्यों को दी, मनुष्यों के जो गुरुजन खड़े थे सप्तऋषि लोग, उनको बुला के दी, लो कामधेनु आप ले जाओ, इस कामधेनु से आप यज्ञ करो और सारी कामनाएं पूर्ण करो, गौ की सेवा करो और सारी कामनाएं पूर्ण करो। भगवान ने कामधेनु ऋषियों को दी, मनुष्यों को दी है गौ माता। इसके पश्चात पुनः समुद्र मंथन निकला हुआ, तो अब लक्ष्मी जी निकली, लक्ष्मी जी निकली हाथ में वरमाला लेकर। महाराज किसको डाले वरमाला, किसको वर बनाए अपना, कुंवारी कन्या के रूप में लक्ष्मी जी वहां प्रकट हुई थी, युवती कन्या षोडश वर्षीय, वर वरणी है, वर को वरण करना है, तो किसको वरण करेंगे। बहुत से लोग खड़े थे वहां उस कतार में, बड़े बड़े हैंडसम थे, भगवान शंकर स्वयं खड़े थे, भगवान शंकर सबसे ज्यादा हैंडसम देवताओं में, एकदम गौर वर्ण के, कपूर की तरह गौर वर्ण के, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम वजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। लक्ष्मी जी की तरफ भगवान ने नारायण ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, एक तरफ खड़े हुए, और सारे देवता सोच रहे हैं मेरे को मिल जाए तो अच्छा है, मेरे को लक्ष्मी मिल जाए तो अच्छा है, मेरे को मिल जाए। सबसे पहले दुर्वासा जी खड़े थे, दुर्वासा जी को भी लक्ष्मी ने छोड़ दिया, क्यों, क्रोधी आदमी के पास लक्ष्मी नहीं रहती, ज्यादा क्रोधी है वो व्यापार करेगा तो व्यापार उसका फेल हो जाएगा, इसलिए बनियों के पास लक्ष्मी ज्यादा आ जाती है व्यापार में, क्षत्रिय अगर व्यापार करेगा तो उतना लक्ष्मी नहीं आती, क्योंकि क्षत्रिय क्रोध भी करता है साथ साथ, ग्राहक से लड़ाई भी कर लेगा, तो ग्राहक से लड़ाई कर लेगा तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। एक राजपूत ने कपड़े की दुकान खोली, आई राम प्यारी आई लेने के लिए साड़ी, बोले वो दिखाओ भैया, वो दिखाओ, नहीं ऐसी नहीं, ऐसी किनारी वाली दिखाओ, वो नहीं वो दिखाओ, माताओं की च्वाइस हजारों होती, तो महाराज वो नहीं वो दिखाओ, वो नहीं वो सूट दिखाओ, वो सूट दिखाओ, 50 सूट निकलवा ली उसने, 50 सूट निकलवा ली और लिया, एक भी नहीं, बोले नहीं पसंद नहीं पसंद नहीं। और फिर महाराज बीपी हाई हो गया उस ठाकुर का, तेरे बाप का नौकर हूं, इतना सारा निकलवाया, एक घंटे माथा पोड़ी करी, वो दोबारा मुड़कर आएगी, बोलो भैया आपका काम ही दिखाना, गुस्सा क्यों करते हो, तो दिखाना काम है तो भाई 4-5 देख ले, 10 देख ले, तू 50 निकलवा लिया, बाप का नौकर हो, कहां से आ गई, अणु में तो ऐसी होती नहीं, तू कहां से आ गई, सूद की दुकान पर उसने साड़ी दिखाई, उसने दिखाया सूद, वो नहीं भैया वो दिखाओ, हाँ बहन जी कोई बात नहीं, हंस के बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं, बैठी 50 सूट देखे, वहां भी पसंद नहीं आया, भैया ये सब मेरे को पसंद नहीं, अच्छा मत, कोई बात नहीं कोई बात नहीं बहन जी, कोई अच्छा और नया माल आने वाला कल आ जाना देख लेना, कोई अच्छा पानी पियो बैठो, कोई बात नहीं, वो नाराज नहीं हुआ। अब वो दूसरे दिन उसके यहां जाएगी कि वो उसके ठाकुर के यहां जाएगी, तो क्रोधी के पास लक्ष्मी रुकती नहीं, ज्यादा गुस्सा करने वाले के पास लक्ष्मी नहीं रुकती। राजा बलि को भी छोड़ दिया, क्योंकि बलि स्वयं तो धर्मात्मा है लेकिन कंपनी अच्छी नहीं है, दैत्यों का साथ देते हैं, आप खुद तो अच्छे हैं लेकिन संगति आपकी खराब है, शराबियों का संग करते हो, मांसाहारियों करते हो, धीरे धीरे लक्ष्मी आपको छोड़ देती है। इसके पश्चात महाराज शंकर भगवान को देखा, उनको भी छोड़ दिया लक्ष्मी, उनका वरण भी नहीं किया, शंकर जी में क्या दोष देखा, लक्ष्मी जी बारीकी से टेस्ट करती हैं, शंकर जी में क्या दोष देखा, शंकर जी में यह दोष देखा कि भगवान शंकर श्मशान में रहते हैं, नग्न रहते हैं, श्मशान में अपवित्रता होती है, सूतक होती है हमेशा, जो अपवित्र रहते हैं, माताएं अपवित्र अवस्था में रसोई में जाती हैं, भोजन बनाती हैं 4 दिन, वहां से धीरे धीरे लक्ष्मी चली जाती है, दरिद्रता आ जाती है, मासिक धर्म में 4 दिन माताओं को भोजनालय में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अलग रखो, सजा है,
माताओं को ब्रह्म हत्या लगी हुई ना, सजा मासिक धर्म में माताओं को अलग रहना चाहिए। बस भगवान का स्मरण करें, ऊपर का काम झाड़ू बुहारी का बाहर का करें, गौशाला का काम करें और राम राम करें बस। और पतिदेव की ड्यूटी है उनको भोजन बना बना कर दे, बड़ी छल्ली की रोटी बना बना कर। ये सुख भी तो है, सुख भी है साथ में। पतिदेव को ट्रेनिंग देके रखो, ट्रेनिंग देके रखो। हमारी मकान मालिक ने ट्रेनिंग देके रखी पतिदेव बोल के, उनके पति बनाते हैं, कोई मेहमान आ जाए उनको भी खिलाते हैं, बनाते खुद भी बनाते। तो आप लोग भी ट्रेनिंग दो अपने अपने छगन लाल मगन लाल को, राम प्यारी श्याम प्यारी, टाइमिंग देके रखो। जरूरत पड़े तो बनाओ, सानू भी खिलाओ, तुसी भी खाओ, आहारे वास्ते भी बनाओ, त्वारे वास्ते भी बनाओ, मुन्नू वास्ते भी बनाओ। तो अशुद्धि अशुद्धि में लक्ष्मी नहीं रहती। सबको छोड़ते छोड़ते अंत में देखा कि एक भले ही काला है, थोड़ा श्याम वर्ण का है, एक पुरुष बिल्कुल अलग खड़ा है, वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। सारे अणु वाले तो हम टूट पड़े कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, लेकिन वो देख ही नहीं रहा मेरी तरफ। है भी काला, लक्ष्मी ने देखा तो काला तो है लेकिन दिल वाला है, दिल बहुत बड़ा है उसका। दिल बड़ा है मतलब उदार है, दिल बड़ा है इसका ये मतलब नहीं कि वो कुड़ी के पीछे भागने वाला है। दिल बड़ा है इसका मतलब ही नहीं, दिल बड़ा है किसी बच्ची का ये मतलब नहीं मुंडों के पीछे भागने वाली। दिल बड़ा है मतलब परोपकारी है, ब्रॉड माइंडेड है, दूसरों के काम आता है दिल वाला। तो जैसा सदुपयोग नारायण करेंगे मेरा, वैसा अणु में कोई दूसरा नहीं करेगा। इसलिए लक्ष्मी ने भगवान नारायण के गले में जयमाला डाली है और देवताओं की धुंधली भी बजी है, जय जयकार हुआ है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी जी के स्वागत में इंद्र भी प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कन्हैया आने वाला है ना, शुभ सपन हो रहा है। इसके पश्चात पुनः समुद्र मंथन हुआ और धनवंतरी अमृत कलश ले। एक बात और सुननी, यहां पर लक्ष्मी जी ने यह कहा है कि मैं उस घर से चली जाऊंगी जिस घरों में, जिन घरों में लोग सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय सोते रहते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और सायंकाल सोते रहते हैं, जिन घरों में लोग सूर्यास्त के पहले उठ, सूर्योदय के पहले उठ जाए और सूर्यास्त के समय सोए ना, कल बताया था भोजन भी ना करें और केवल आरती संध्या वंदन करें। सूर्यास्त के समय जो सोता है, सूर्योदय के समय जो सोता है, दोनों समय सनराइज टाइम सनसेट टाइम, ये दो टाइम में सोने वाले के घर से मैं चली जाऊंगी। जहां स्त्री का अपमान होगा वहां से मैं चली जाऊंगी। जिन घरों में स्त्री का अपमान होगा, स्त्री का अपमान पुरुष करेगा इतना ही नहीं, स्त्री करेगी तो भी चली जाऊंगी। स्त्रियों का अपमान ज्यादा स्त्री करती हैं, सास का बहू, बहू का सास, ननद का भाभी, भाभी का चिंता मत करो, नहीं करोगे, नहीं करोगे। तो स्त्री का अपमान होता है वहां से भी मैं चली जाऊंगी। स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए और माताओं को भी चाहिए थोड़ा सा कॉमन सेंस रखें, थोड़ा बड़ा दिल रखें। कितना बड़ा दिल रखें उसमें, कम से कम इतना तो रखो कि सास भी समा जाए, ससुर भी समा जाए, बहू भी समा जाए, देवरानी जेठानी भी समा जाए। ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, बड़ा दिल रखना चाहिए। लक्ष्मी ने कहा वहां से मैं चली जाऊंगी जिस घर में शराब आती है, सुन लो, जिस घर में बोतल खुलती है उस घर से अल्कोहल खुलती है, मैं चली जाऊंगी। जिस घर में जुआ खेला जाता है उस घर से मैं चली जाऊंगी। जिस घर में मांसाहार होता है उस घर से मैं चली जाऊंगी। लक्ष्मी जाने का मतलब ये नहीं केवल धन की कमी हो, लक्ष्मी जाने का मतलब है शांति रूप में लक्ष्मी रहती है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता,
शांति रूप में लक्ष्मी भगवती लक्ष्मी रहती है, जगदम्बा रहती है, स्वास्थ्य लक्ष्मी होती है, सौंदर्य लक्ष्मी होती है। महाराज लक्ष्मी के अनेक प्रकार होते हैं, समृद्धि लक्ष्मी होती है, धन लक्ष्मी होती है, केवल पैसे का नाम लक्ष्मी नहीं है। तो वहां स्वास्थ्य बिगड़ता जाएगा वो लक्ष्मी फिर डॉक्टरों के पास भागेगी, वहां शांति नहीं रहेगी तो वकीलों के पास जाएगी। तो लक्ष्मी ने कहा है जुआ शराब मांसाहार और चरित्रहीनता पर स्त्री पर पुरुषों का संग, वहां से मैं चले जाऊंगी। अब देख लो अपने घरों में और सुन लो, जिस घर में कुत्ता पाला जाता है, कुत्ता सुन लो ध्यान, जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उस घर से मैं चली जाऊंगी। कुत्ते के रोए जहां गिरते हैं, रोमकूप जहां गिरते हैं, वहां से मैं चली जाऊंगी। दरिद्रता आ जाएगी, रोग आ जाएगा मेरे बदले में, मैं वहां से चली जाऊंगी। स्वास्थ्य लक्ष्मी वहां से चली जाएगी। कुत्ता नहीं पालना चाहिए, रोटी दे दो बाहर, लेकिन पालना नहीं चाहिए कुत्ता। जिन्होंने पाला है कम से कम उसको बाहर रखें, बिस्तर में ना खिलाएं, साथ में पप्पी ना लें उसको, बार बार किस ना करें, हाँ उसको बाहर रखें। और हम नया ना पालें, उसका जब शरीर पूरा हो जाए उसके बाद नया ना लाएं। कुत्ता पालता है, मुर्गा पालता है, टूटी खाट और टूटे बर्तन घर में रखता है, वहां से टूटी खाट टूटे बर्तन, कुत्ता और मुर्गा। ये माताओं की आदत होती है, कोई बर्तन टूट गया, खाट टूट गई, ऊपर रख देते हैं, फेंकती नहीं, बहुत कंजूस होती है, रख देते उसको, सब रख लेते जितना भी, सब कबाड़ा सब दबा लेते, कोई ऊपर रखा है, कोई पीछे रखा है, क्या करेगी उसको, मायके ले जाएगी, हैं? फेंक उसको, बरसों से काम नहीं आती होती फिर रख लेती, ना तो बहुओं को निकालने देती, ना तुम खुद निकालते। बहु भी सोचती है गंदगी यहां सफाई नहीं होती, सास कहती नहीं नहीं पढ़ा ना, पढ़ा मेरे मायके से आए थे, मेरे मायके से आए आज से 50 साल पहले, पढ़ रहे। टूटी खाट टूटे बर्तन, बर्तन टूट जाए निकाल दो, थोड़ी भी किनारी टूटी हो निकाल दो, उसको मत रखो, रिप्लेस कर दो अथवा किसी को दे दो। फटे वस्त्र, आजकल तो फटे कपड़े पहनते हैं बच्चे, ये मूर्खों की बुद्धि खराब है, फटी जींस पहनते हैं, फटे कपड़े पहनते हैं। तो फटे वस्त्र जहां पहनते हैं वहां से निकल, यहां से फाड़ लिया, यहां से फाड़ लिया, यहां से फाड़ लिया, यहां से फाड़ लिया, ये सब कंगाल हो गए कंगाल। तो लक्ष्मी कहती है फटे वस्त्र, जो धन होते हुए फटे वस्त्र पहने, कोई भिखारी है अलग बात है, अब तो भिखारी नहीं है, आपके मुन्नू तो भिखारी नहीं है, मुन्नू का बाप तो भिखारी नहीं है, तो उनको मना करो फटे वस्त्र, क्या बेवकूफी चली। एक कंपनी में वस्त्र खराब हो गए, चूहे लगे, उन्होंने कहा करोड़ों का मार है क्या करें, तो 2-4 लाख खर्च करके उन्होंने हीरो को पहना के एडवर्टाइज करा दिया, सारे मूर्ख वही लाने लगे, मूर्खों की कमी नहीं है, अनुमत नहीं है कोई मूर्ख, बात फटे हुए वस्त्र पहनने से लक्ष्मी चली जाती है। टूटी खाट टूटे बर्तन, मुर्गा कुत्ता, सायंकाल सोना, सूर्यास्त के समय सोना, घर में अल्कोहल आना और किसी जीव का खून गिरना, मांसाहार होना, रक्त गिरना, जुआ खेलना, पर स्त्री पर पुरुषों से संबंध रखना, इन स्थानों से लक्ष्मी जी चली जाती है। शांति लक्ष्मी चली जाती है, अशांति रहेगी। स्वास्थ्य लक्ष्मी चली जाती है, अस्वस्थ रहोगे। लक्ष्मी के अनेक रूप होते हैं। अंत में धन्वंतरी निकले हैं स्वयं अमृत कलश लेकर, दैत्यों ने छीन लिया है, भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर दैत्यों को वंचित रखा है, देवताओं को अमृत पान कराया है, और महाराज बड़ा संग्राम हुआ, अब देवताओं ने सारे दैत्यों को मार दिया है, अमृत पान कर चुके थे, दैत्य सारे मर गए, देवता जाकर स्वर्ग में बैठ गए, और देवता लग गए भोग विषयों में,
कि अब तो हमें कौन मारेगा, हमारे दुश्मनों को हमने समाप्त कर दिया है, भगवान को भूल गए। और जब जब जीव भगवान को भूलता है तब तब उस पर आसुरी संपत्तियों का अटैक होता है, तब तब प्रॉब्लम आती है जब जब जीव भगवान को भूल जाता है। भगवान को भूलते ही अणु वालों पर विपत्ति आनी शुरू हो जाती है। देवता भगवान को भूल गए, अभिमान बस। इधर गुरु जी आए, दैत्यों के शुक्राचार्य जी अपने चेलों को खोजते हुए, बहुत दिन से कोई फोन नहीं आया, व्हाट्सएप भी नहीं आया, कहां गए, चलो देखें जाके जरा। शुक्राचार्य जी आए, देखा सारे मरे पड़े, बली है, नमुची है, संबरासुर है, सारे नेता मरे पड़े उनकी पार्टी। शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या है और उन्होंने उस विद्या का प्रयोग करके सबको जिला दिया, मरे हुए को जिला दिया। मेडिकल साइंस अभी तक वहां नहीं पहुंच पाया जहां ऋषि मुनि पहुंचे थे, सबको जीवित कर दिया। और सबको संगठित कराया, तपस्या करके बल बढ़ाया, स्वर्ग पर एक साथ अटैक किया। वे तो भोगों विषयों में लगे हुए थे, एक साथ अटैक। महाराज देवताओं मरे तो नहीं लेकिन सबको अधमरा कर दिया, अमृत पान कर चुके थे, मर नहीं सकते थे, लेकिन सबको उन्होंने आधा मरा जैसा कर दिया, मार मार कर, मार मार कर। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का आंख टूटा, कोई काना हो गया, कोई लंगड़ा हो गया, कोई लूला निकल गया, किसी की कुवड़ निकल गई, बहुत मारा। सारे देवता परास्त होकर युद्ध का मैदान छोड़ छोड़कर भाग गए। सब गए भगवान के पास रोते रोते। भगवान ने कहा क्यों तुम लग जाते हो विषय भोगों में, जब सुख आता है तब मेरे को भूल जाते हो, दुख आता है तब हे नाथ हे प्रभु रक्षा करो करते हो। सुख में कभी तुम किसी की सेवा करते हो, परोपकार करते हो, किसी का दुख देखते हो, जाओ यहां से। बोले प्रभु हम तो बच्चे हैं, आप पिता हैं, बच्चे गलती करते हैं, माता पिता क्षमा करते हैं, आप क्षमा करो, अब नहीं भूलेंगे, क्षमा करो। ब्रह्मा जी ने भी उनकी सिफारिश की, शंकर जी ने भी उनकी सिफारिश की, भगवान नारायण ने कहा देखो देवताओं का दैत्यों का बल अभी बहुत बड़ा है, ऐसे उनको जीतना असंभव है, क्योंकि उन पर गुरु जी की कृपा है, संत कृपा है, शुक्राचार्य जी की कृपा है। कुछ मैं राजनीति करके और तुम्हारा राज्य वापिस दिलाऊंगा, तुम्हारी कुर्सी वापिस दिलाने का प्रयास करूंगा, तुम चलो, तुम पहुंचो मुंबई में आता। और भगवान ने इधर देवताओं की माता अदिति ने भगवान की उपासना की है, दूध पीकर, पयोव्रत कहते हैं, कई कई उपासना है महाराज, दूध पीकर, गाय का दूध पीकर, पर्वव्रत के कई है, 11 दिन के भी है, 21 दिन के भी है, 9 दिन के भी है, 41 दिन के भी है, केवल गौ माता का, देसी गाय का, देसी गाय, हमारी देवभूमि में देसी गायें दिखाई नहीं देती, हमारे देवभूमि में देसी गायें दिखाई नहीं देती, सब खत्म कर दिया आप लोगों ने, सब खत्म कर दिया, ऐसा पाप किया, माफ करने लायक पाप नहीं किया आप लोगों ने, अक्षम्य अपराध किया, गायों को नष्ट कर दिया, गायें हैं जो है वो सुअर की बच्ची हैं, गायें तो गई नहीं, इनको तुम गाय मानते हो वो गाय नहीं, गाय देखने, कोई वेद पाठ करता है गुरुकुल चलता है, कोई मंदिर बनता है भगवान का, कोई प्याऊ लगती है, जिसकी जमीन में कोई परोपकार होता है, उस भूमि स्वामी के, भू स्वामी के, जमीन के मालिक की सात सात पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। और समझो दूसरा पहलू भी सिक्के का, जिस जमीन में सुरापान होता है शराब पी जाती है, ठेके खुलते हैं, जिसकी जमीन में ठेके खुलते हैं, मांस की दुकानें खुलती, मुर्गे कटते हैं, जुआ खेला जाता है, वे विचार होता है, उस जमीन के स्वामी की सात सात पीढ़ियां हर को मिल जाती है, सात सात पीढ़ियों का पतन होता है। कभी अपनी जमीन पर ऐसा मत होने दो, कितना ही पैसा है, कभी अपने दुकान में मांस अंडा शराब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हिंदुओं की दुकान में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए,
जिस जमीन में ये बातें होती हैं उसके लिए महाराज बड़ी दुर्गति की बात है। ध्यान रखो आपकी जमीन में बेचो तो भी वेरीफाई कर लो किस लिए ले रहा है, किस पर्पज से ले रहा है, क्या करना चाहता है उस भूखंड का। होगा पोल्ट्री फार्म खोलेगा, कसाई खाना खोलेगा, ठेका खोलेगा, क्या करेगा वो? ऐसे लोगों को हाथ जोड़ दो, लाख रुपए कम मिल जाए लेकिन पाप नहीं करेगा। उसके बाद वो दूसरा बेचे, तीसरा बेचे, फिर आगे कुछ भी हो, लेकिन आप सावधानी रखो, जब तक आपका स्वामित्व है तब तक वहां ऐसे चीज नहीं होने दिया। तो तुम्हारी जमीन में बैठकर भजन करेंगे, तुम्हारा भी उद्धार होगा, तुम्हारी साथ साथ पीढ़ी का उद्धार होगा, हमारा भी होगा। तो भगवान मांग रहे हैं बलि से, तेरे द्वार खड़ा देखो आप लोग जो है ना, अगर जल की आवश्यकता है तो जल पीछे है, बीच में हम गैप नहीं देते, भजन के समय आप ले सकते हैं। बाकी अच्छी बात तो ये है कि साथ में रखें, उचित बात तो ये है कि साथ में आप जल रखें, रखना चाहिए, ये समझदारी है, सत्संग में रखें जी। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare।
राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे भवानी सहित मंदार माला कुलिताल कायई कपाल मानई चित शेख राय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः अजोड़ जोड़ आरती आरती Thank you.